चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग के पास फॉर्मूला है ये है वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? तो जो हम लोग के पास करेंट एसेट हैं, इसमें से अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सबसे पहला क्या हो गया कि जो करेंट एसेट हैं उसमें से करेंट लाइबिलिटी को हम लोग को माइनस करना है। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग के पास यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो होने वाला है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है? तो करेंट रेशियो में हम लोग के पास जो कि करेंट एसेट हो गया डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे करेंट लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास हैं वो दे रखा है एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, या इसमें क्या होता है कि जो हम लोग के पास करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी होता था वो तो होता ही है, बट इसमें करेंट एसेट में से जो स्टॉक का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं लेस कर देते हैं। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टॉक। तो यहाँ तक मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या होता था करेंट एसेट में से करेंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाता था वर्किंग कैपिटल। दूसरा है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो कैसे निकालते थे? तो जो करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी है उससे हम लोग क्या निकाल लेते थे, तो करेंट रेशियो निकालते थे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है एसिड टेस्ट रेशियो, इसमें कैसे निकालते थे? तो जो एसिड टेस्ट रेशियो में जो हम लोग के पास करेंट एसेट था इसमें से स्टॉक को माइनस करते थे डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी। तो ये हम लोग के पास तीन रेशियो हो गया। आगे देख लेते क्या है। तो आगे हम लोग के पास जो है जो काम आने वाला है इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू पीबीटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या हो जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब नाम से ही सजेस्ट है कि प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट के पहले यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ना। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे हो गया नेक्स्ट वाला जो काम पड़ने वाला है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड तो नॉर्मली यहाँ पे कितना देगा 30 डेज का, और नॉर्मली ईयर में यहाँ पे जो ईयर में जो लेना है नंबर ऑफ डेज वो कितना 360। तो हम लोग क्या करेंगे 360 जो हम लोग के पास है तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 360 कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा इसका रेशियो आ जाएगा, जो कि मैं आप लोग को सम्स के ही टाइम में बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे करना है, ठीक है। अगला है हम लोग के पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है सेल्स एज अ टर्नओवर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नॉर्मली हम लोग के पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे लिखते थे, तो COGS बाय एवरेज स्टॉक लिखते थे। बट यहाँ पे सम्स में स्पेसिफिकली बोला है, मेंशन है कि सेल्स एज अ टर्नओवर, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे सेल्स बाय एवरेज स्टॉक, और सम्स में हम लोग के पास एवरेज स्टॉक दे रखा होता था, यहाँ पे दे रखा था ना, तो इससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स। अगला है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट टर्नओवर का रेशियो हम लोग के पास होता सेल्स बाय हम लोग क्या कर देंगे फिक्स एसेट कर देंगे, या COGS बाय फिक्स एसेट, डिपेंडिंग ऑन अपन द क्वेश्चन, मतलब किस तरह से क्या हुआ है, दोनों ही हम लोग लेकर के एजम्पशन लेकर के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग के पास है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास करेंट एसेट में से करेंट लाइबिलिटी माइनस करते थे तो वर्किंग कैपिटल आता था। अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे जो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट रेशियो, ये कैसे निकालते हैं, तो जो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट होता है इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग क्या चीज़ से, तो यहाँ पे सेल्स से इनटू करते हैं हम लोग 100, और जो हम लोग के पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइड कर देंगे सेल्स से और इनटू कितना हो जाएगा 100, तो हम लोग के पास क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। अगला जो हम लोग के पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा लॉन्ग टर्म, तो बाकी चीज़ हम लोग के पास यहाँ से सम्स में गिवन। तो इस तरह से ये हम लोग के पास हो गया फॉर्मूला का। अब हम लोग यहाँ पे सम्स को रीड करते हैं और सम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एक एक चीज़ करके बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियो, जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा प्लस में हम लोग के पास जो रेशियो दे रखा उसके बेसिस पे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं प्रिपेयर करना है यहाँ पे क्या, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जो कि 31 मार्च 2023 का, और इनकम स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है जो कि जो 30 मतलब ईयर एंड का, मतलब 31 मार्च 2023 का ही इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है। तो पहला हम लोग के पास जो काम हो गया वो क्या हो गया बैलेंस शीट, और दूसरा जो हम लोग के पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को यहाँ पे बनाना है सम्स में। सम्स में हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले एवरेज स्टॉक सम्स में गिवेन है, फिर हम लोग के पास करेंट रेशियो भी गिवेन है, एसिड टेस्ट रेशियो भी गिवेन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिवेन है, कलेक्शन पीरियड जो हम लोग के पास डेटर का भी दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर भी दे रखा है, फिक्स एसेट भी हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा है, वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखा है जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को छोड़ करके, फिर जो हम लोग के पास लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है एंड इंटरेस्ट जिसका रेट हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है 12%, तो ये हम लोग के पास दे रखा है। और लास्ट में हम लोग के पास टैक्स में कुछ भी नहीं लेना, मतलब टैक्स को हम लोग यहाँ पे नील कंसीडर करना है, मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सम्स का हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन था। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग सिंपली क्या देखेंगे कि क्या क्या हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग के पास था एवरेज स्टॉक था जो कि 10 लाख का दे रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग के पास है स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कि हम लोग के पास कितना है 5 टाइम्स, तो ये अमाउंट भी दे रखा है प्लस में ये टाइम्स भी दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं। तो सिंपली चलिए हम लोग सेल्स इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइए, तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसमें हम लोग के पास क्या होता था सम्स में स्पेसिफिकली बोला कि सेल्स को कंसीडर करना है, तो सेल्स बाय हम लोग एवरेज स्टॉक जो कि हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है 5 टाइम्स, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 5। सेल्स तो सम्स में गिवन नहीं है ना, तो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हम लोग के पास गिवन है ना 10 लाख का, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 10 लाख। तो जो हम लोग के पास सेल्स आ जाएगा, सेल्स कितना आ जाएगा, तो 10 लाख इंटू 5, तो ये कितना हम लोग के पास आ गया 50 लाख का यहाँ पे सेल्स आ चुका है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो जो हम लोग के पास इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का पार्ट होगा उसे हम लोग लिख देंगे कितना, तो यहाँ पे 50 लाख। तो ये पहला फिगर कंप्लीट हो गया, तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हम लोग के पास सेल्स का हो गया। अब दूसरा फिगर में चलते हैं, तो अब हम लोग के पास है करेंट रेशियो जो कि कितना देखा है 3:1, और एक इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है वर्किंग कैपिटल जो कि कितना देखा हुआ है 10 लाख का। तो देखिए इस दोनों को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करके बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास होता था वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता था, जो भी हम लोग के पास था वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जो करंट एसेट था उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या आता था, तो वर्किंग कैपिटल आता था। अब सम्स में वर्किंग कैपिटल तो हम लोग के पास 10 लाख गिवन है, करंट एसेट का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम लोग के पास यहाँ पे करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अगर करंट लायबिलिटी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ना, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो करंट एसेट है इसमें अगर 10 लाख अगर प्लस में है अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या मैच चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में तो माइनस 10 लाख। तो ये हम लोग के पास आ गया करंट एसेट माइनस 10 लाख इज इक्वल टू क्या आ गया करंट लायबिलिटी। तो ये हम लोग के पास करंट लायबिलिटी आ चुका है, अब करंट लायबिलिटी भी आ चुका है, करंट एसेट का हम लोग करंट एसेट मान लेंगे, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं करंट रेशियो के बेसिस पे जो भी दे रखा वो। तो देखिए जो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी जो हम लोग के पास है वो हो गया करंट रेशियो जो कि सम्स में कितना गिवन है 3:1, तो हम लोग लिखेंगे 3:1। करंट एसेट के बदले हम लोग करंट एसेट लिख देंगे, करंट लायबिलिटी के बदले हम लोग लिख सकते हैं ना ये वाला अमाउंट, तो यहाँ पे करंट एसेट माइनस 10 लाख लिख सकते हैं ना इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करंट एसेट फिर 3 करंट एसेट हो जाएगा माइनस 30 लाख हो गया, 30 लाख इस साइड में अगर लेके जाएंगे तो प्लस में 3 करंट एसेट का 3 करंट एसेट और एक ये वाला है एक करंट एसेट अगर दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 लाख इज इक्वल टू 3 करंट एसेट, तो यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सॉरी 2 था यहाँ पे ना, 3 में से अगर 1 गया तो 2 बचा ना बाय करंट एसेट, तो ये हम लोग के पास आ गया 15 लाख। तो जो कि हम लोग के पास करंट एसेट कितना आ गया है 15 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया करंट एसेट आ गया। अब करंट लायबिलिटी के बारे में हम लोग क्या क्या पास क्या बोला था कि जो करंट लायबिलिटी होगा वो करंट एसेट में से 10 लाख माइनस कर देंगे, तो जो 15 लाख है इसमें से अगर हम लोग 10 लाख माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ गया 5 लाख ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा करंट लायबिलिटी जो कि हम लोग के पास यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ पे 5 लाख। तो आप लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे जो हम लोग बनाया है उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का आंसर तो सेम ही है। ठीक है, तो करंट एसेट भी आ गया, करंट हम लोग के पास लायबिलिटी भी आ गया, तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए करंट एसेट जो था 15 लाख का, करंट लायबिलिटी हम लोग के पास 5 लाख का, तो इसे चलिए हम लोग इसे लिख देते हैं बैलेंस शीट में आ जाइए। करंट एसेट में हम लोग के पास जो था वो कितना था टोटल में, तो 15 लाख का, तो ये टोटल फिगर मैच कर चुका है, और उसके बाद जो करंट लायबिलिटी है उसमें 5 लाख, तो ये 5 लाख का भी फिगर हम लोग के पास यहाँ पे मैच कर चुका है। तो ये हम लोग के पास दो फिगर आ गया। अगला चलते हैं, तो अगला रेशियो जो हम लोग के पास था वो क्या दे रखा था, तो अगला रेशियो हम लोग के पास जो था ये दे रखा था एसिड टेस्ट रेशियो जो कितना 1:1, तो यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था,
तो जो हम लोग के पास करेंट एसेट होता था, इसमें से स्टॉक को हम लोग माइनस करते थे डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटी, यही करते थे ना। अब एसी टी एस रेशियो हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो ये वन दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू करेंट एसेट हम लोग के पास 15 लाख का था माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटी जो हम लोग के पास कितना था 5 लाख का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 15 लाख माइनस स्टॉक, तो अगर हम लोग स्टॉक निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 लाख, और ये प्लस में दूसरे साल में जाएगा तो माइनस में, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टॉक 10 लाख का। तो स्टॉक भी हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है, तो चलिए स्टॉक भी लिख देते हैं यहाँ पे। जो कि कितना हो गया हम लोग के पास स्टॉक 10 लाख का, तो स्टॉक भी हम लोग के पास आ गया। अब सम्स में चलिए, एक हम लोग के पास था एवरेज स्टॉक जो कितना दे रखा था 10 लाख का, तो 10 लाख का एवरेज स्टॉक था, तो मान लेते हैं हम लोग कि एवरेज स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक इक्वल ही है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम लोग के पास कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना ले लेंगे, स्टॉक निकाले थे 10 लाख का, हाँ चलिए ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हैं 10 लाख, क्योंकि देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना स्टॉक जो कि कितना 10 लाख, एवरेज स्टॉक भी हम लोग के पास कितना है 10 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक भी कितना हो जाएगा 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक भी कितना हो जाएगा 10 लाख। इसे अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 10 लाख है, क्योंकि एवरेज स्टॉक हम लोग के पास 10 लाख था। अब ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग के पास पता नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग के पास पता था 10 लाख का डिवाइड बाई 2, तो 10, तो 10 टू 20, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस 10 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया 20 लाख, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 में से अगर 10 गया तो हम लोग के पास कितना गया 10 लाख, तो ये हम लोग के पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर निकालना है सब्स में इनकम स्टेटमेंट में, तो वैसे जरूरत तो है नहीं ना, तो छोड़िए जरूरत तो है नहीं, अगर हम लोग टी शेप में बनाते ऐसे करके यहाँ ओपनिंग स्टॉक अगर लिखना चाहते तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाता 10 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना आ जाता, ये भी आ जाता हम लोग के पास 10 लाख का, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाते तो ठीक है, इनकम स्टेटमेंट सिंपली बना रहे, तो इसलिए हम लोग सेल से यहाँ पे सिंपली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक का रेशियो हम लोग यहाँ पे ये वाला रेशियो निकाल चुके हैं, ये वाला निकालें नहीं निकालें, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाले रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कितना देखा था 2.2/1 दे रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम लोग के पास कितना दे रखा था 2.2/1, तो यहाँ पे 2.2 हो गया। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करे थे, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या जाता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कि देखिए जो हम लोग के पास था ये दे रखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब यही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2.2। इसे ही अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट सम्स में कहाँ से निकाल लें, इंटरेस्ट दे रखा हुआ था क्या, प्रॉफिट बिफोर, चलिए इसे मैं आप लोगों को कॉपी में बता देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नाम से ही सजेस्ट है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर इसमें हम लोग माइनस अगर इंटरेस्ट करते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम लोग के पास आ जाएगा। इसे हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास पहला काम हो गया। अब सम्स में गिवन था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि हम लोग के पास कितना दे रखा होता, तो 2.2 ये दे रखा है ना, 2.2, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 2.2। अब टैक्स तो सम्स में है नहीं, टैक्स हम लोग के पास सम्स में नहीं था, दे रखा होता ना कि टैक्स जो हम लोग को कंसीडर करना है कितना कंसीडर करना है, नील कंसीडर करना है, तो टैक्स तो हम लोग के पास सम्स में है नहीं, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना, प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स तो बोल सकते हैं ना, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब सम्स में हम लोग के पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट का रेशियो गिवन है प्लस में हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दोनों गिवन है, मतलब नेट प्रॉफिट का रेशियो भी गिवन है प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी गिवन है। और सेल्स हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सेल्स पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग ये इसे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सेल्स हम लोग के पास पहले से कितना है कि जो कैलकुलेट कर चुके थे पहले से सेल्स, तो सेल्स हम लोग यहाँ पे 50 लाख का कैलकुलेट कर चुके थे पहले से, तो हम लोग के पास 50 लाख का यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स आ गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, दोनों में से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास टैक्स भी कुछ भी नहीं है। तो इसका रेशियो जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना गिवन था, नेट प्रॉफिट का 10% गिवन है। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे सेल हुआ है 50 लाख का, इसमें अगर सिंपली 10% से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 50 लाख इंटू 10% करेंगे तो 5 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हम लोग के पास कितने का आ गया, 5 लाख का। इसी तरह से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 5 लाख का 5 लाख रहेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो हम लोग के पास रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 40,000, तो हम लोग सिंपली 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 5 लाख इंटू 40%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 2 लाख का। तो 2 लाख का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी 5 लाख नहीं था ना, 50 लाख था, यहाँ पे 50 लाख इंटू 40%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 20 लाख। तो 20 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ पे, तो 20 लाख का हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और नेट प्रॉफिट हम लोग के पास कितना आ गया, 5 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। और सम्स में हम लोग के पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसे ही हम लोग नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सम्स में यहाँ पे टैक्स नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्लस में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्या, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बोल सकते हैं ना हम लोग सिंपली इसके बदले क्या किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस में इंटरेस्ट, तो हम लोग के पास ये वाला अमाउंट आ चुका है डिवाइड बाय यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय इक्वल टू कितना हो गया, 2.2 हो गया। अब देखिए सम्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो 5 लाख का हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कितना लिख देंगे, 5 लाख प्लस इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 5 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 5 लाख का, तो 5 लाख यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 लाख इंटू 2.2 ये हो जाएगा ना। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट हो जाएगा, अब 5 लाख को अगर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 5 लाख इंटू 2.2 से, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 11 लाख आ गया। तो 11 लाख, और जो हम लोग के पास ये प्लस में है अगर दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो -5 लाख, तो ये कितना आ गया, तो 6 लाख। तो 6 लाख का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 6 लाख का। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना आ गया, 6 लाख का हम लोग के पास इंटरेस्ट आ चुका है। तो इसे अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो इनकम स्टेटमेंट में, तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग के पास फिगर ये निकल चुका था, 50 लाख का जो सेल्स था वो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला फिगर हम लोग के पास कैलकुलेट था यहाँ पे कैसे निकाले थे, तो जो हम लोग के पास सेल्स था 50 लाख का, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 40% दे रखा था ना, जो अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ पे, तो ये भी हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम लोग के पास 40, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तीनों फिगर तो आ गया ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया था, तो यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग के पास सम्स में गिवन था, जो एक्सपेंस वाला पार्ट था कहाँ गया, ये देख लीजिए एक्सपेंस वाला पार्ट हम लोग के पास गिवन था जो कि कितना था, 9 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे 9 लाख सिंपली माइनस कर देंगे। और ये हम लोग इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे ना 6 लाख का अभी जस्ट किए थे, तो ये 6 लाख हम लोग के पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारा का सारा हम लोग के पास क्या गया, नेट प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे, जो कि यहाँ पे 50 लाख का कितना परसेंट था, तो इसका 10%, जो कि हम लोग यहाँ पे नीचे में कैलकुलेट किए थे ना, नेट प्रॉफिट 5 लाख। तो ये इस तरह से हम लोग के पास इनकम स्टेटमेंट का सारा काम हो गया, मतलब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो ये हम लोग के पास इनकम स्टेटमेंट का हो गया, जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे हम लोग आगे बनाते गए। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम लोग के पास सबसे पहले जो आया था वो सिर्फ और सिर्फ आया था स्टॉक आया था, प्लस में हम लोग के पास जो करंट एसेट था उसका टोटल यहाँ पे आ चुका था, प्लस में हम लोग के पास जो करंट लायबिलिटी था उसका यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग के पास सम्स में आ चुका था। अब
बाकी फॉर्मूला को यूज़ करके, एक एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि हम लोग के पास कितना दिन दे रखा है, यहाँ पे 30 डेज हम लोग के पास एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा हुआ है। और एज्यूम करना है कितना, तो यहाँ पे 360 हम लोग को ईयर में एज्यूम करना है। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग के पास कितना है, 30 है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग के पास कितना हो गया, 30 हो गया। अब जो टोटल हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ था, जो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड जो हम लोग के पास हो गया, इसमें अगर हम लोग डेटा निकालेंगे, डेटा हम लोग किसके बेसिस पे निकल के आता है, तो यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे निकल के आता है। डेटा जो हम लोग के पास निकल के आता है वो सेल्स के बेसिस पे निकल के आता है। अब सेल्स हम लोग के पास सम्स पे कितना गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग के पास सेल्स जो है गिवन 50 लाख का गिवन है, जो कि पूरा 360 दिन के लिए गिवन है, पूरा होल ईयर के लिए गिवन है। और हम लोग के पास जो कलेक्शन पीरियड है इसका, जो कि कितना है यहाँ पे 30 डेज है, तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा यहाँ पे डेटा निकल के आ जाएगा, या डेटर बोले या आप लोग रिसीवेबल दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना, तो 50 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया 4,16,667। तो ये हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, जो बैलेंस शीट का पार्ट है उसमें रिसीवेबल। और टोटल तो हम लोग के पास 15 लाख का दे रखा हुआ था। देखिए ये वाला जो करंट एसेट का टोटल है, जो करंट एसेट इसका टोटल हम लोग के पास 50 लाख है, जिसमें से दो फिगर आ चुका है, तो तीसरा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना। तो ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे 15 लाख, इसमें से अगर हम लोग 10 लाख माइनस कर देंगे, कितना 4,16,667, तो हम लोग के पास कितना आ गया 83,333, जो कि बैलेंसिंग फिगर आ गया अदर वाला। तो अभी तक हम लोग के पास करंट एसेट का सारा फिगर आ चुका है, करंट लाइबिलिटी का सारा फिगर आ चुका है। तो अब हम लोग को फिक्स एसेट और बाकी जो हम लोग के पास लाइबिलिटी का पार्ट है उसे कैलकुलेट करना होगा। बट इससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो था उसको मैं एक बार कॉपी में भी बता देता हूँ। तो देखिए सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग, कि जो टोटल सेल है उसमें डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ डेज दे रखा होगा या मंथ दे रखा होगा उससे, और इनटू मल्टीप्लाई करना है कि इसका कलेक्शन पीरियड कितना है, डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना है, तो उससे हम लोग के पास रिसीवेबल निकल के आ जाता है। या दूसरा मेथड जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग देखे हो, उसमें कैसे करते थे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल देते हैं, जो कि हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास नंबर ऑफ डेज दे रखा होगा या मंथ दे रखा होता था, मंथ इसमें डिवाइड करते थे डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना है। तो सम से हम लोग के पास 30 डेज का दे रखा हुआ है, तो ये जो कि हम लोग के पास क्या आ गया, 12 टाइम्स आ गया। फिर से एक बार हम लोग लिखते थे क्या, तो यहाँ पर डेटा टर्नओवर रेशियो, इसमें हम लोग क्या करते थे सेल्स या सीओजीएस दोनों में से जो भी होता था डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे एवरेज रिसीवेबल। तो ये हम लोग के पास आ गया था 12, सेल्स हम लोग के पास यहाँ पे 50, जो पहले से निकाल चुके हैं, सबसे निकाल चुके थे ना 50, ये यहाँ तो देख लीजिए ना 50 निकाल चुके थे, डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे एवरेज रिसीवेबल। फिर हम लोग के पास यहाँ पर एवरेज रिसीवेबल जो कि यहाँ पर आ जाएगा 50 लाख, डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो 50 लाख डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 4,16,667। तो ये हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज रिसीवेबल, दोनों में से जो भी आप लोग को सुविधा हो वो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीका से आप लोग को बता दिया। एवरेज रिसीवेबल तक हम लोग के पास हो चुका है, अगला देखते हैं हम लोग के पास। तो अगला हम लोग के पास जो दे रखा हो, ये दे रखा हो हम लोग के पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो सेल्स होता था या सीओजीएस दोनों में से किसी भी चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, बट सेल्स यहाँ पे नॉर्मली कंसीडर किया जा रहा है सारे केस में, जैसे मतलब स्टॉक का भी था उसमें भी सेल्स कंसीडर किया जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल्स कंसीडर कर रहे हैं। बट यहाँ पे सेल्स या सीओजीएस दोनों में आप लोग करके आ सकते हो अल्टरनेटिव दे करके। ठीक है, तो सेल्स डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देते फिक्स एसेट। अब इसका टर्नओवर हम लोग के पास कितना दे रखा है, 0.8 टाइम्स दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 0.8। सेल्स हम लोग के पास कितना है 50 लाख डिवाइड बाय फिक्स एसेट, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिक्स एसेट इज इक्वल टू, तो जो हम लोग के पास 50 लाख हो गया इसमें डिवाइड कर देंगे 0.8 से, तो हम लोग के पास निकल के कितना आ जाएगा, तो 50 डिवाइड बाय 0.8, तो ये हम लोग के पास आ गया 62,50,000, जो कि हम लोग के पास क्या आ गया फिक्स एसेट। तो चलिए हम लोग फिक्स एसेट में लिख देते हैं कितना 62,50,000, तो हम लोग के पास एसेट साइड का टोटल आ गया कितना, तो 77,50,000, जो कि हम लोग के पास ये वाला प्लस में ये वाला दोनों का टोटल करके, करंट एसेट प्लस में जो फिक्स एसेट है उस दोनों का टोटल करके हम लोग के पास कितना आ गया 77,50,000। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और करंट लाइबिलिटी हम लोग के पास आ चुका है, तो अब हम लोग के पास जो बाकी बचा हुआ फिगर है वो लाइबिलिटी साइड का वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पर आ जाइए सम्स में, और हम लोग के पास क्या गिवन है,
और हम लोग के पास फिक्स एसेट तक का हो चुका है, वर्किंग कैपिटल ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अगला हम लोग के पास है लॉन्ग टर्म लोन का रेट, हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है, 12% का हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ। अब देखिए लोन का इंटरेस्ट का रेट हम लोग के पास 12% है, जो इंटरेस्ट था इसका रेट जो हम लोग के पास है कितना परसेंट है, 12%। और जिसका अमाउंट जो हम लोग के पास था, जिसका हम लोग के पास अमाउंट जो था, जो कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो हम लोग कितना कैलकुलेट कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले निकाले थे, जो कि था यहाँ पे 6 लाख। अमाउंट हम लोग 6 लाख कैलकुलेट कर चुके हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। तो लोन कितना होगा, तो देखिए इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे, तो जो हम लोग के पास लोन का अमाउंट होगा उसमें हम लोग रेट से उसे उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, हम लोग के पास क्या आ जाता था, इंटरेस्ट आ जाता था। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी लोन होता उसमें अगर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग के पास क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। सम्स में इंटरेस्ट हम लोग के पास गिवन है जो कितना, 6 लाख का। लोन हम लोग के पास गिवन नहीं है और इसका रेट हम लोग के पास कितना गिवन है, 12%। तो हम लोग सिंपली 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग लोन निकालना चाहेंगे तो जो 6 लाख हैं, इस 6 लाख में 12 से हम लोग क्या कर देंगे, 12% से डिवाइड करना होगा ना, तो हम लोग 12% से अगर डिवाइड करते हैं 6 लाख में, तो जो लोन का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 लाख का हम लोग के पास लोन का अमाउंट आ चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि लोन का अमाउंट कितना आ गया, 50 लाख का। तो जो बचा हुआ इक्विटी शेयर है वो हम लोग के पास क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में, क्योंकि टोटल तो हम लोग के पास 77,50,000 है। तो इस तरह से हम लोग के पास ये सब्स भी कंप्लीट हो गया।